गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो हम हो चुके हैं रेडी क्योंकि है हमारे यहाँ एंगेजमेंट फंक्शन जिसके लिए हम यहाँ पूरी आए हुए थे और दीदी रेडी हो चुकी है लगभग वो रेडी हो रही है और सब निकल गए हैं, बस अभी दोनों बाकी हैं तो अब हम भी निकलेंगे क्योंकि इंगेजमेंट फंक्शन शाम से स्टार्ट है। तो चलिए चलते हैं, आप लोगों को भी दिखाती हूँ क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। मिलती हूँ, चलिए। आदिति पंचजना। तो फ्रेंड्स, जब हम वहाँ पहुँचे तो एक छोटी सी पूजा चल रही थी जो उनके यहाँ का रिवाज है कि एंगेजमेंट सेरेमनी के पहले लड़का और लड़की के अच्छे फ्यूचर के लिए एक छोटी सी पूजा की जाए। तो वही पूजा चल रही थी और इधर लगभग गेस्ट आने भी स्टार्ट हो गए थे क्योंकि टाइम हो गया था एंगेजमेंट का, पूजा भी लगभग ख़त्म हो चुकी थी। तो सारे गेस्ट अब बाहर की ओर ग्राउंड की तरफ आ रहे थे क्योंकि एंगेजमेंट वहीं होनी थी। तो फ्रेंड्स, फाइनली इंगेजमेंट काफ़ी अच्छे से हो गई, हमने काफ़ी मस्ती की, काफ़ी मज़ा आया हम सभी को। तो इंगेजमेंट और केक कटिंग के बाद वापस जो होने वाले दुल्हा और दुल्हन है उन्हें यहाँ लेके आया गया है क्योंकि अभी यहाँ चल रही है आशीर्वाद सेरेमनी। जितने भी बड़े हैं, जो उनके जो भी फ्रेंड आए हुए हैं, सारे गिफ्ट यहाँ दे रहे हैं और साथ ही साथ आशीर्वाद दे रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा ही हंसते खेलते मुस्कुराते रहें और एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहें। और सही में दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। आई होप आप लोगों को भी लग रहे हों तो मुझे कॉमेंट करके प्लीज़ बताइएगा कैसे लग रहे हैं दोनों। और ये था फ्रेंड आज का मेरा वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो फ्रेंड, थोड़ी सी भी वीडियो अगर अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही और मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।